जी, तो आइए आज पहले आपको दरगाह शरीफ का बाहर का मंजर दिखाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की उरूस स्टार्ट हुआ है, आज 8 दिन हो रहा है, तो देखेंगे आज रजब की 8 तारीख का दिन बाहर का मंजर कैसा दिखा है। दिखाएंगे बाहर का मंजर दिखाते हुए सीधे ले चलेंगे आपको दरगाह शरीफ के अंदर वजू खाना के सामने, जहाँ पर वजू बनाया जाता है। वजू खाना का मंजर भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। वजू खाना के मंजर दिखाते हुए आपको सीधे ले चलेंगे आस्थाना शरीफ के 4 नंबर गेट के सामने, जिस गेट से आप आस्थाना शरीफ ज़ियारत करके बाहर आते हैं उस गेट को भी ज़ियारत करवाएंगे, और वहाँ से आगे बढ़ेंगे जन्नती दरवाज़ा में। जो जन्नती दरवाज़ा और उसके दिन खुला हुआ था, चांद के 6 तारीख के बाद बंद हो गया है, उसको भी आपको दिखाएंगे, और सीधे आपको ले चलेंगे बायती में जहाँ पर कदम उसी होता है आस्थाना शरीफ में, वहाँ से आपको ज़ियारत करवाएंगे। वहाँ से ज़ियारत करवाते हुए मंजर दिखाते हुए आपको सीधे ले चलेंगे आस्थाना शरीफ की बड़ी गेट पर, जहाँ पर आम पब्लिक होता है, आम भीड़ लगता है, वहाँ से भी आपको भीड़ दिखाएंगे और पूरा दरगाह शरीफ के अंदर बाहर का मंजर दिखाएंगे इस वीडियो में। तो बना रहिए, वीडियो पूरा देखिए, दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए। जी, बना रहिए। अस्सलामु अलैकुम, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आइए, आज हुजूर गरीब नवाज की उरूस मुबारक 8 दिन हो रहा है, तो आप सबको उरूस बहुत बहुत मुबारक हो। और आज रजब की 8 तारीख है, यानी ख्वाजा गरीब नवाज के उरूस आज 8 दिन हो रहा है। तो देखिए आज 8 दिन का, यानी रजब की 8 तारीख का दिन का मंजर, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए दरगाह बाजार से मेन गेट निज़ाम गेट, निज़ाम गेट को ज़ियारत कीजिए, और आज निज़ाम गेट के सामने का मंजर कैसा है वो भी आप देख लीजिए। आज रजब की 8 तारीख है, यानी उरूस की आज 8 दिन है, तो 8 दिन आज का मंजर दरगाह बाजार का ये कैसा मंजर है देख लीजिए। आज थोड़ी भीड़ कम हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं है आज दरगाह बाजार में, यहाँ की चहल पहल थोड़ा हल्का है, देख सकते हो आप, यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल भीड़ कम है। तो माशाल्लाह आज उरूस की 8 तारीख है, और आज शाम को यानी मगरिब बाद 9 की कुल के शब्द लग जाएंगे, तो 9 की कुल के शब्द लगने के बाद जो गुसल की रस्म होता है वो आज मगरिब बाद से स्टार्ट हो जाएंगे दरगाह शरीफ के अंदर। तो आइए अभी दिन में आप ये दरगाह शरीफ के बाहर का मंजर पहले देख लीजिए। अभी भी यहाँ पर पुलिस ड्यूटी कर रहा है, मगर ज़ायरीन का इतना भीड़ नहीं है, इतना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, भीड़ कम हो चुका है। तो 2 दिन पहले यहाँ का जो मंजर था उससे थोड़ा हल्का हुआ है, देख सकते हैं 2 दिन पहले जो भीड़ था वो भीड़ से थोड़ा कम हो चुका है, देख सकते हो आप, अभी तो ज़ायरीन है लेकिन कम है। देखिए मैं आपको ये मेन गेट के सामने लेके आया हूँ, यहाँ पर भी अभी भी पुलिस का ड्यूटी है जो आपको सहयोग दे रहा था पूरा उरूस में, और इंशाल्लाह कल तक ये पुलिस रहेंगे। 9 की कुल की बात, यहाँ से पुलिस हट जाएंगे, इतना पुलिस जाएंगे नहीं, रहेंगे पुलिस ड्यूटी में लेकिन इतना नहीं रहता है उरूस में, खास करके ज़्यादा यहाँ पर प्रशासन सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगाया जाता है। तो ये देखिए मेन गेट से अंदर आपको दाखिल करवा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दरूद शरीफ पढ़िए। अभी आप बरगाह गरीब नवाज में दाखिल हो गया हो, तो गरीब नवाज की दरबार शरीफ के अंदर दाखिल हो गया, आप ज़ियारत कीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए, और यहाँ का अंदर का मंजर भी आप देखते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर गरीब नवाज की दरबार शरीफ के अंदर आप दाखिल हो गया हो, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए मैं आपको ये बुलंद दरवाज़ा के सामने लेके आया हूँ, ये है बुलंद दरवाज़ा, एक बार ज़ियारत कर लीजिए आप जी। और आइए ये बुलंद दरवाज़ा की आसपास का मंजर भी आज देख लीजिए, आज यहाँ पर भी भीड़ भाड़ कम है, देख सकते हो, ये है अकबरी मस्जिद, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर जितना पुलिस ड्यूटी कर रहा है वो कम हो चुका है। ये देखिए बाहर से आने जाने का 2 नंबर गेट, 2 नंबर गेट का मंजर भी आप देख लीजिए, और ये देखिए बुलंद दरवाज़ा के नीचे का चहल पहल, और ये एलन ऑफिस यानी इंक्वायरी ऑफिस आपको दिखाया हूँ, ये बुलंद दरवाज़ा के नीचे का चहल पहल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए। आइए अभी आपको छोटा डेग दिखाता हूँ, ये देखिए छोटा डेग यानी छोटी डेग दरगाह शरीफ के अंदर, जो 2 डेग है दोनों से ये छोटी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अभी आप हुजूर गरीब नवाज गुम्बद शरीफ भी ज़ियारत कीजिए, बुलंद दरवाज़े के नीचे से हिंदल अली अता रसूल के दरबार शरीफ अभी आप ज़ियारत कर रहे हो। ये देखिए बड़ी डेग, दोनों डेग में से ये बड़ी डेग, पहले छोटी डेग आपको दिखाया हूँ, ये बड़ा डेग दिखाया हूँ, और दोनों डेग का बीच का मंजर भी आप देख लीजिए। तो माशाल्लाह अभी आप हिंदल अली अता रसूल का दरबार शरीफ ज़ियारत कर रहे हो, बाअदब के साथ ज़ियारत कीजिए, दुआएँ मांग लीजिए आप। अभी हिंदल अली अता रसूल की उरूस मुबारक चालू है, ये देखिए बाहर से आने जाने का 3 नंबर गेट,
लंगर खाना गेट देख लीजिए, ज़ियारत कीजिए। तो रजब महीना की बाद आपका आएंगे शबान की महीना, यानी शबरत की महीना। तो शबान की महीना पे हुजूर गरीब नवाज की, बड़े साहबजादा ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती की उर्स मुबारक चालू होगा शबान की 1 तारीख से। यानी इस जो रजब की चांद की बाद जो चांद देखेगा वो शबान की चांद देखेंगे, और शबान की चांद में हुजूर गरीब नवाज की साहबजादे के उर्स स्टार्ट होता है, ध्यान रखिए आप लोग। और ये देखिए वजू खाना की मंजर, यहाँ पर कैसे जारिन वजू बना रहा है, और यहाँ पर किस तरह माशक का पानी भी ढाला जाता है। देखिए आने वाला जारिन ढालता है इस तरह, देखिए किस तरह ढलवा रहा है पानी, देख लिया आपने। और ये वजू कैसे बना रहा है जारिन आज, देखिए यार यहाँ पर भी आज थोड़ा भीड़ कम देख रहे हैं आज, यानी थोड़ी भीड़ कम हो चुका है अजमेर शरीफ से। माशाल्लाह इस बार उर्स में काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, बहुत सारा जारिन आए हुए थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा उर्स मुबारक हुआ है और अभी भी उर्स चल रहा है। आज 8 तारीख है, तो आप बा अदब के साथ दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए। आइए ये देखिए हुजूर गरीब नवाज की बीबी साहिबा की दरगाह, यानी ये है अम्मा जान की दरबार शरीफ, ज़ियारत कीजिए। अम्मा जान का दरबार शरीफ से भी आपको मन्नत और दुआएं पूरी होती है बेशक। देखिए यहाँ का मंजर कैसे है, देख लीजिए, ज़ियारत कीजिए, दुआएँ मांग लीजिए आप अम्मा जान की दरबार शरीफ से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रोज़ तो मैं दिखाता रहता हूँ, इंशाल्लाह उर्स में भी क्या नज़ारा है देख लीजिए, दुआएं मांग लीजिए। ये देखिए बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ ज़ियारत कीजिए, और बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ मुहर्रम का टाइम खुलता है। बाबा फरीद साहब की जो रोज़ा मुबारक है वो पाकिस्तान में पाक पठान में है। तो आइए चलिए आगे चलते हैं, सुभान अल्लाह गरीब नवासी गुम्बा शरीफ, यहाँ पर देखिए कबाली भी हो रहा है, यानी उर्स के 10 दिन जगह जगह में कबाली होगा, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ दिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह चलिए आगे चलते हैं, आस्था शरीफ के 4 नंबर गेट भी ज़ियारत करवाते हैं आपको, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए आस्था शरीफ के 4 नंबर गेट ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए। देखिए किस तरह ज़ारिनी खाजा आस्था शरीफ ज़ियारत करके बाहर आ रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी आप आताए रसूल के दरबार शरीफ ज़ियारत कर रहे हो, ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। आज उर्स के 8 तारीख है, सुभान अल्लाह उर्स स्टार्ट हुआ है, आज 8 दिन हो रहा है। आइए आप जन्नती दरवाज़ा भी ज़ियारत करते हैं, जो चांद की 29 तारीख से चांद की 6 तारीख तक खुला हुआ था, सुभान अल्लाह। ये देखिए जन्नती दरवाज़ा, आप लोग ज़ियारत कीजिए। और देखिए यहाँ पर ज़ारिन कैसे ज़ियारत कर रहा है, और आप भी ज़ियारत कीजिए, दुआएँ मांग लीजिए। चांद की 29 तारीख से चांद के 6 तारीख तक जन्नती दरवाज़ा खुला हुआ था, हज़ारों ज़ारिन यहाँ से गुजर रहा था, वो भी मैं आपको दिखाया हूँ, अभी बंद हो गया है। चलिए आपको आगे ले चलते हैं, ये देखिए शाहजहानी मस्जिद के ऊपर के मंजर मैं दिखा रहा हूँ, बाहर से दिखा रहा हूँ, आज शाहजहानी मस्जिद के अंदर गया ही नहीं हम, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबा हो जाएंगे, शॉर्ट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, रोज़ तो मैं दिखाता हूँ लेकिन आज थोड़ा शॉर्ट देख लीजिए। ये देखिए आस्था शरीफ के 3 नंबर गेट के अंदर जाने का रास्ता है, आज भी यहाँ का बंद है, यहाँ से एंट्री नहीं किया आज भी। देखिए यहाँ पर गेट पे ताला लगा हुआ है, इधर से एंट्री नहीं है, उधर से घूम के आना पड़ेगा आपको, देखिए उधर से घूम के आ रहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी आप आस्था शरीफ के 3 नंबर गेट ज़ियारत कीजिए, और यहाँ का मंजर भी आप देख लीजिए, यानी कुल मिला के पूरी दरगाह शरीफ के अंदर बाहर थोड़ी भीड़ कम हो चुका है, देख सकते हो आप, सुभान अल्लाह। देखिए और आज भी थोड़ा भीड़ रहेंगे, कल तक भीड़ रहेंगे, क्योंकि कल 9 की कुल की रस्म मनाए जाएंगे, आज शाम को स्टार्ट हो जाएंगे कुल की रस्म, और कल दिन भर चलेंगे इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह किस तरह यहाँ पर चिश्तिया होली खेला जाएंगे, गुलाब जल से पूरा दरगाह शरीफ के अंदर धुलाया जाता है, वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। आइए अभी आप पायती से दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए, पहले ये देखिए 3 नंबर गेट के अंदर जाने का रास्ता है, ये VIP गेट है, देखिए किस तरह यहाँ पर रस्सी बन के पर गार्ड कर दिया गया, क्योंकि हर किसी को यहाँ पर जाने का परमिशन नहीं है, जो खुद्दाम हजरत के साथ जाते हैं वो इसी गेट से जा सकते हैं, इसी गेट से जा सकते हैं, आप देख लिया। आइए अभी आप पायती से आस्था शरीफ ज़ियारत कीजिए, जहाँ पर कदम उसी होता है, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए कदम उसी जहाँ पर होता है आस्था शरीफ में, वहाँ पर ज़ियारत कर लीजिए पायती गेट से, और दुआएँ मांग लीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी आप नायबे रसूल की दरबार शरीफ ज़ियारत कर रहे हो, आता है माफ़ कीजिएगा पायती से, जहाँ पर कदम उसी होता है, बा अदब के साथ ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए।
खास करके अभी हुजूर गरीब नवाज की उर्श मुबारक भी इंशाल्लाह चालू है, यह रजब का मायना है। आप लोग ज़ियारत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगिए हुजूर गरीब नवाज की दरबार शरीफ से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए माशाल्लाह आता है रसूल हिंदल अली की दरबार शरीफ, माशाल्लाह ज़ियारत कर रहे हो आप, ज़ियारत कीजिए, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। तो आइए आप पूरा पाइती का मंजर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कबाली हो रहा है, यहाँ पर भी जगह जगह में कबाली हो रहा है। तो देखिए आज पाइती में कहाँ पर कितना ज़ायरीन है, कहाँ पर कैसा मंजर है देख लीजिए। और दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए, यहाँ पर भी कबाली हो रहा है, देख सकते हो। तो आज उर्स की 8 तारीख, सुभान अल्लाह, अभी आप पाइती का मंजर देख रहे हो। देखिए और आइए थोड़ी गुंबद शरीफ यहाँ से ज़ियारत कीजिए, सुभान अल्लाह, बाबा की गुंबद शरीफ माशाल्लाह ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह आज उर्स की 8 दिन हो रहा है, यानी रजब की आज 8 तारीख है और मगरिब बाद से 9 तारीख लग जाएंगे, 9 के कुल की शब्द लग जाएंगे, रस्म मनाना शुरू हो जाएंगे आज शाम से ही, और कल दिन भर चलेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर। इंशाल्लाह कल का भी क्या मंजर रहेगा वो भी इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। तो आइए अभी ये आप आता है नूर का मंजर देखिए, यहाँ पर 2 दिन पहले फुल क्राउड था, आज थोड़ा हल्का हुआ है, कम हुआ है भीड़, देख सकते हो ये आता है नूर का भीड़ अभी देखिए थोड़ा कम है, 2 दिन पहले जो भीड़ था उसके मुताबिक आज थोड़ा कम है, देख सकते हो आप। तो आइए किस तरह ये ज़ायरीन ज़ियारत कर रहे हैं और लाइन लग रहा है ये भी आप देख लीजिए, ज़ायरीन कम है लेकिन बहुत है, कम बुला नहीं जाता इसको, लेकिन नॉर्मल दिनों से ज़्यादा है। आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरह लाइन लगवाया जा रहा है, तमाम ज़ायरीनों को जो लाइन पर लगिए और एक के बाद एक ज़ियारत कीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी आप बरगाह गरीब नमाज में खड़ा हो और आता है नूर से आस्थाना शरीफ ज़ियारत कर रहे हो, आता है रसूल की दरबार शरीफ जहाँ पर चादर पेश होता है, और ये है बड़ा गेट, बड़ी गेट और आम गेट, इसी गेट से कोई भी आप जा सकता है, किसी को भी जा सकता कोई भी, किसी का कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है, ना रोक टोक होता है। देखिए इंशाल्लाह आज यहाँ पर कितना भीड़ है, कल से थोड़ा भीड़ कम है आज, लेकिन फिर भी भीड़ है। इंशाल्लाह ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नायब रसूल की दरबार शरीफ जो अभी आप ज़ियारत कर रहे हो आता है नूर से, ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। इस जगह की नाम है आता है नूर, यहाँ पर महफिल वगैरह भी होता है, जब भी दरगाह शरीफ के अंदर कोई प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर महफिल वगैरह बनाया जाता है, कवाली वगैरह यहाँ पर होता है, महफिली शमा वगैरह यहाँ पर ही होता है, यानी सबसे बड़ा गेट है और आम गेट है, इसी गेट से कोई भी ज़ायरीन अंदर जा सकता है, किसी का कोई रोक टोक नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो देखिए माशाल्लाह आज कितना ज़ायरीन है, कैसे अंदर जा रहा है ज़ियारत के लिए और यहाँ पर कैसे यहाँ का इंतज़ाम करवाया जा रहा, देखिए लाइन लगवाया जा रहा, ताकि जितना दिन होते रहेगा और भी ज़ायरीन बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आज 9 के कुल के शब्द लगेंगे शाम को, तो आज भी इंशाल्लाह शाम को बहुत ज़्यादा ज़ायरीन होगा। तो आइए ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए, आप आता है रसूल के दरबार शरीफ से, सुभान अल्लाह क्या मंजर है आज आता है नूर का, वो भी आप देख लीजिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, दुआएं मांग लीजिए आप। या बाबा हुजूर गरीब नमाज सबकी परेशानी आप दूर कर दीजिए और सबकी ज़ियारत आप कबूल फरमा दीजिए। आप लोग खुद दुआएं मांग लीजिए हमारी वीडियो द्वारा, हम वीडियो में आप तमाम लोगों के लिए दुआ खैर नहीं करा सकते हैं। अगर आपको दुआ खैर करवाना है दरगाह शरीफ में तो मेरी स्क्रीन पे चल रहा पीर सैयद बाबा अली चिश्ती के नंबर से आप रब्ता कायम करें, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए आता है नूर से गुंबद शरीफ बाबा की ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए यहाँ से भी, और ये पूरा आता है नूर का मंजर आप देख लीजिए। आज यहाँ पर भी कितना पुलिस ड्यूटी है, अभी भी पुलिस की ड्यूटी है लेकिन थोड़ा कम है। चलिए आता है नूर से भी बाहर आ गया हूँ, ये बाहर का भी यहाँ का भी मंजर देखिए, यानी पूरा दरगाह शरीफ के अंदर हूँ लेकिन दरगाह शरीफ का जो आस्था शरीफ का गेट है उस गेट से थोड़ा बाहर आ गया हूँ। तो इस इधर का भी मंजर आप देख लीजिए, ताकि आपको पूरा मैं आपको घुमा देता हूँ, आपको सब जगह की मंजर दिख जाए और अच्छे से आपको ज़ियारत भी हो जाए, जैसे कि आप खुद आके दरगाह शरीफ में ज़ियारत करते घूम फिर के, ऐसे मैं आपको घुमा फिरा के दिखा भी देते हैं वीडियो, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए अम्माजान के दरबार शरीफ बैक साइड से दिखा रहा हूँ आपको, उधर से दिखाते हुए आपको लेके आया हूँ, और इधर से भी देख लीजिए, यहाँ से भी आप दुआएं मांग लीजिए।
हुजूर गरीब नवाज की बीबी साहिबा की दरगाह है, जो आपको इधर से भी दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, यहाँ से भी दुआएं मांग लीजिए। बीबी साहिबा की दरगाह यानी आमदन के दरबार शरीफ से भी आपको दुआएं कबूल होता है बेशक। और ये देखिए संदली मस्जिद की अंदर की मंजर, आज यहाँ पर भी भीड़ कम हो चुका है देखिए। तो इसी वीडियो में हम यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामुअलैकुम। आप सबको हुजूर गरीब नवाज की हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो।